झाबुआ जिला मुख्यालय कलेक्टर परिसर गार्डन में साफ सफाई एवं सौंदर्यकरण का काम नाबालिगों से करवाया जा रहा है। ताज्जुब इस बात का है कि जिला मुख्यालय पर सरेआम नाबालिग से भारी काम करवाया जा रहा है और अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी है। नाबालिग मजदूर ईंट आदि यहां से उठाकर ले जाते स्पष्ट दिख रहे हैं। सवाल यह है कि जब जिला मुख्यालय पर यह आलम है तो नाबालिग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा। मौके पर कार्य करवाते हुए सुपरवाइजर ने बताया कि नगर पालिका द्वारा मजदूर लगाए गए हैं, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी LS डोडिया ने बताया कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर विभाग और PHE द्वारा अलग अलग कार्य करवाए जा रहे हैं, यह जांच का विषय है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। सर, ये जो कलेक्टर कार्यालय गार्डन में ये जो कार्य चल रहा है, ये किन के द्वारा किया जा रहा है? मान्य कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अलग अलग विभागों को अलग अलग कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई है। उसमें नगर पालिका परिषद को मुख्य रूप से जो पुराना जो रंग रोगन है उस कार्य दिया गया है, ईंटे वगैरह हैं वो उसको व्यवस्थित करने का कार्य दिया गया है। तो निकाय अपने स्तर पे सभी कार्य करवा रही है और पीचनित का मामला है, इसलिए कोशिश है कि शहर की एक रौनक भी बने रहे, तो हम उसको बड़े साहब के जो भी निर्देश है उसके तारतम्य में उसको व्यवस्थित करवा रहे हैं। सर, मैंने यहाँ ये पाया कि आपके जो मजदूर है उसमें 3-4 नाबालिग बच्चे थे, उस संबंध में आपका क्या कहना? मैं दिखवा लेता हूँ उसको, अगर ऐसा कोई इश्यू है तो। क्योंकि यहाँ पर मौके पे ईंट उठाते हुए नहीं नहीं, उसमें मैंने जैसे कहा आपको पूर्व में कि ये 2-3 विभागों का काम चल रहा है। ईंटों का जहाँ तक बात है तो वो हॉर्टिकल्चर भी कुछ काम करवा रहा है उसमें, ठीक है, PHE भी कुछ काम करवा रहा है, नगर पालिका भी कुछ काम करवा रही है। तो अलग अलग विभागों के यहाँ वो कौन से विभाग में किस सिद्धराई में गए या किस विभाग ने कौन से मजदूर लगाए, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। और मैं इंश्योर करता हूँ कि हमारे विभाग की तरफ से इस तरह का कोई मौके पे जो सुपरवाइजर था उनका कहना कि नगर पालिका से वो ईंटों की जहाँ बात आपने कही है तो ईंटें लगवाने का काम शायद तो हॉर्टिकल्चर विभाग करवा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।